किसान आंदोलन का दूसरा दिन है आज और किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको जल्दी से बताते हैं। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा की इस वक्त बैठक चल रही है कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इससे पहले कह चुके थे कि वो किसानों से बातचीत को भी तैयार हैं, बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ये तमाम बातें जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से पहले ही साफ कर दी गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो इस वक्त अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं बयान। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। सर, कोई डायलॉग आप लोगों का बना है या आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव ले गई है, कोई कमेटी जैसे पिछली बार बनाई गई थी वैसा कुछ आप लोग किसान जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे कुछ बोला है कि हम लोग कोई कमेटी बनाएंगे, कैसे बात कैसे? हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और मैं आशा करता हूँ कि किसान संगठन के माध्यम से इन सारी बातों को समझ करके लोग किसी तरह की कठिनाई ना हो इसकी चिंता करेंगे। सर, एक बात क्लियर क्लैरिफिकेशन। सर, एक और अंतिम सवाल है। जो प्रतिनिधि किसानों के आए थे, कितने प्रतिनिधियों से आप लोगों की बात हुई थी और क्या वो लोग उनके तरफ से क्या कहना है? देखिए, मूलतः जो किसान मजदूर मोर्चा या जिसको हम ये कहते हैं कि कई संगठनों का एक संगठन संयुक्त रूप से, तो ऐसे लोगों का एक समूह, पहले 10 लोग थे, उसके बाद और भी कई लोग जुड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का आप सुन रहे थे, बातचीत के लिए रास्ते ढूंढे, हम बातचीत को तैयार। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कृषि मंत्री अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। एजेंडा क्या इस बैठक का अंकित?
देखिए एजेंडा साफ तौर पर जो किसानों की तरफ से मांगे रखी गई हैं वही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि किसान संगठनों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उसमें कई सारी ऐसी मांगे हैं जो पहले नहीं थी और इस बार लाई गई हैं, और किसान चाहते हैं कि उन पर भी तुरंत भरोसा दिया जाए, उनको जो विश्वास में लिया जाए कि आपकी मांग पर अभी हम जो अमल कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो है जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, जो इस वक्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्योंकि मकसद यही है कि किसानों को संदेश दिया जाए कि सरकार देखिए आपसे बातचीत करने के बाद में कड़े कदम उठाने को तैयार है, बड़े फैसले ले रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप सड़कों पर उतर आए और दिल्ली की तरफ कूच कर दें। अगर बातचीत का एक रास्ता खुला है तो दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए, सरकार बातचीत को तैयार। क्या ये जो कृषि मंत्री अधिकारियों अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाए जो किसानों के पास भेजा जाए? क्या इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए किसानों की तरफ से बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जिस बात का मैंने जिक्र किया कि वो नई नई मांगों को लेकर के आए हैं, तो कृषि मंत्रालय में अभी ये बैठक हो रही है, उसके बाद में सरकार के जो आला मंत्री हैं उनके साथ भी चर्चा होगी, सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद में मुमकिन है कि किसानों तक पहुंच की जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।